थैंक यू सो मच। अलीबाबा दास्तान काबुल, एक जो अलीबाबा की स्टोरी हमने बचपन में सुनी है, जो सुनते आए हैं, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और इसको नए ढंग से बनाया गया है और इसको एकदम फैमिली एंटरटेनर, यू नो, इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, जैसे प्यार, यू नो, रोमांस है, देन देयर इज एडवेंचर, एक्शन। सी, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ एक कैरेक्टर जोरावर, सो मेरा कैरेक्टर नाम जोरावर है, हु इज़ वेरी क्लासिस्ट, जो लोगों को नीचे देखता है, ही इज़ वेरी सरकास्टिक एंड ही बिलीव्स इट। परवाज एक जगह है काबुल में, तो ऐसे लगता है कि वो सबको उस जगह पे सबको ओन करता है, यू नो। तो यार फन, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जोरावर। यार मेरी लुक बहुत ही बढ़िया है, द फर्स्ट टाइम आई वोर दिस जब लुक टेस्ट हुआ था, स्पेशली यू लुक एट माई शूज, देन आई हैव दिस पैंट्स जो एकदम से अंदर जाती हैं जूतों के अंदर से, यू नो दैट पीपल यूज टू वेयर दोज डिंगो शूज अर्लियर, तो थोड़ा वैसे वाला लुक है। उसके ऊपर एक कुर्ता पहन रहे हैं, कुर्ते के ऊपर बेल्ट है, विच गिव्स मी अ वेरी माचो काइंड ऑफ अ लुक, जो यू नो काबुल में लोग पहनते भी थे ऐसा, तो निधि ने बताया था मुझे, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर। एंड देन आई हैव दिस केप टू मेक मी लुक रिच, क्योंकि मेरा कैरेक्टर वैसा है कि जैसे मैंने आपको बताया प्रवास के सरदार का बेटा है, तो उसको थोड़ा वैसे दिखाना है। और उस टाइम पे सब लोग फर पहनते थे टू कीप देमसेल्फ वार्म, यू नो, तो मेरा भी यहाँ पे कंधे पे फर है, तो फर एक एक्स्ट्रा लुक ऐड करती है। एंड यार मुझे कोई डायरेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, इसी मेरा इट्स ब्रेड एंड बटर फॉर मी एक्टिंग, आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मुझे डेली आना है, मुझे काम करना है। सो वेदर इट्स अ नेगेटिव रोल, आपको उसमें हाँ परफॉर्म करने के लिए कुछ होना चाहिए। एक एक्टर, वो जैसे एक्टर एक सीन में भी परफॉर्म कर जाता है, एक लाइन में भी परफॉर्म कर जाता है, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आपको काम करना है, आप परफॉर्म करिए, डेली आइए सेट पे। सो आई एम काइंड ऑफ अ गाय जो मेरे को डेली आप सेट पे रखिए, मेरे को बहुत मज़ा आता है, मुझे डेली काम करने का बहुत मज़ा आता है। सो कैरेक्टर मैटर्स, और कैरेक्टर उतना ही मैटर करेगा कि आप परफॉर्म कितना कर सकते हो उस कैरेक्टर को। तो मुझे अब एक कैरेक्टर दिया गया था, तो मुझे लगा कि हाँ इसमें बहुत कुछ है परफॉर्म करने के लिए, सो आई टुक इट। यार अभी तक बहुत मज़ा आता है, जैसे हम लोग जो हम हैं अभी, सो वी आर द यंग क्राउड हियर ऑन द सेट्स, तो हम शाही गैंग वाले और जो हमारे मामूली गैंग वाले, तो हम दोनों के टशनबाजी चलते रहते हैं। मोस्टली आई हैव डन सीन्स विद अली जिसमें हम दोनों के टशन चल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता है, हम दूसरे की टांग खींचते हैं, नो कभी चुटले सुना रहे, कभी रील्स बना रहे, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गया हम सब में और बहुत मज़ा आ रहा है शूट करके। सी द बेस्ट पार्ट इज़ अ केप एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ ऑल्सो केप, बिकॉज आई हैव टू कैरी इट ऑल डे, तो पहन के बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनते हुए, बट इसे पूरा दिन कैरी करना और बांध के रखना थोड़ा सा, यू नो, फिजिकली थोड़ा स्ट्रेनिंग है। शाम को जाके जब आप लेटते हो तो आपकी बैक ऐसी होती है सीधी, बट इट्स फन, या मज़ा आता है ना कॉस्ट्यूम से। जोरावर के लिए मैंने अपनी जबान पे बहुत काम किया है जो उर्दू है, और फिजिकली जिम, यू नो, थोड़ा बड़ा हुआ, मैं थोड़ा गेन किया है बिकॉज मेरे इसमें बॉडी शॉट्स थे काफ़ी, तो या और इसका थोड़ी सी चीज़ें जो इसका जो स्पीड है मैंने थोड़ा तेज़ रखा है इस कैरेक्टर का, सो दैट इट डजंट, यू नो, थोड़ा ड्रैग ना करे, तो एकदम से थोड़ा तेज़ तेज़ बोले। मैंने अलीबाबा के शोज़ नहीं देखे, मूवी ज़रूर देखी है, धर्मेंद्र जी की, धर्मपाल जी की मूवी देखी थी बचपन में, तो अभी भूल गया, लेकिन वो जोरावर को इमेजिन किया मैंने, जोरावर इज़ कम्प्लीटली इमेजिनरी कैरेक्टर, तो उसको पूरा इमेजिन करके ही मैंने बनाया, और मेरे डायरेक्टर ने हेल्प करी, हमारे क्रिएटिव्स ने हेल्प करी इस कैरेक्टर को बनाने में, लेखक जो हमारे हैं, राइटर्स, उन्होंने हेल्प करी, तो यू नो यू हैव टू इमेजिन कि वो कैसा बिहेव करता होगा, चलता कैसे होगा, खड़ा कैसे होता होगा, सो यू हैव टू इमेजिन लॉट ऑफ थिंग्स ऐसे कैरेक्टर्स के लिए। मेरी लुक की बहुत तारीफ हो रही है एक्चुअली एवरीबॉडी, लाइक मेरी फैमिली ने को बहुत पसंद है मेरी लुक, जो मैं थोड़ा बहुत पोस्ट किया हूँ सोशल मीडिया में, सो पीपल लव माई लुक, स्पेशली द केप, आई एम टेलिंग यू द केप इज़ द ब्रिलियंट थिंग, सो इट एड्स ऑन टू, यू नो, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बढ़ा देता है, एंड पीपल आर लविंग माई लुक। क्या हाँ, तो उसके लिए मैंने एक हल निकाला है, तो मैं मीरा रोड शिफ्ट कर गया हूँ, तो अभी मुझे सिर्फ सुबह आधा घंटा लगता है आने के लिए और आधा घंटा जाने के लिए, और जैसे मैं डेली शूट करना शुरू हो जाऊँगा तो आई माइट शिफ्ट टू नए गाँव सेट के पास, क्योंकि जिम के लिए टाइम नहीं मिलता अदरवाइज, और जिम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो। यार यही मैसेज है कि यार 22nd से हमारा शो 8 बजे ज़रूर देखे, इट्स अ कम्प्लीट फैमिली एंटरटेनर, यू गोना लव दिस शो, बहुत मज़ेदार है, इस शो में सब कुछ है, सबके लिए है, प्लीज़ हमारा शो देखिए और हमारे शो को हिट बनाइए प्लीज़।